दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अज कोरोना वायरस का टेस्ट नैगेटिव आने तो बाद मीडिया नूं संबोधन करदिआं कहा कि दिल्ली के लोगों का धन्नवाद करदा हां जिन्हां दे आशीर्वाद नाल ओह हुण बिल्कुल ठीक हन। नाल ही उन्हां कोरोना वायरस के मामलों की जानकारी दित्ती। नमस्कार। दो दिन से थोड़ा बुखार था, गले में थोड़ी खराश थी। इतवार को थोड़ा बुखार होना शुरू हुआ तो सबने सुझाव दिया कि कोरोना का वक्त चल रहा है और यही सिम्टम्स होते हैं कि कोरोना का टेस्ट करा लेना चाहिए। कल सुबह कोरोना का टेस्ट हुआ था, शाम तक रिपोर्ट नेगेटिव आई। इस दौरान आप सब लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने अपनी दुआएं भेजी, अपना आशीर्वाद भेजा और ऊपर वाले की कृपा से टेस्ट नेगेटिव आया। आप सब लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया जिन्होंने अपने शुभकामना संदेश भेजे। मैं अपने घर में ही एक कमरे में अपने आप को बंद किए हुए पिछले दो दिन से देख रहा था। मेरा शरीर तो यहाँ था लेकिन मेरा मन इसी में था कि दिल्ली में किस तरह से और क्या क्या किया जा सकता है कोरोना को कम करने के लिए, लोगों को इलाज कराने के लिए। आज दिल्ली की जो पोजीशन है, दिल्ली में 31,000 टोटल केस हो चुके हैं। इसमें से लगभग 12,000 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। 18,000 लोग अभी एक्टिव केस हैं जिनको अभी भी बीमारी है। 900 के करीब लोगों की डेथ हो चुकी है। जो 18,000 लोग एक्टिव केसेस हैं, इनमें 15,000 होम आइसोलेशन में अपना इलाज करा रहे हैं। कल SDMA की मीटिंग थी, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उसमें मुझे भी जाना था, मैं नहीं जा पाया। मनीष सिसोदिया जी और अन्य मंत्रीगण गए थे, LG साहब ने इसकी अध्यक्षता की थी। वहाँ पे जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए सरकार द्वारा, वो आंकड़े दिखाते हैं कि आने वाले समय में दिल्ली में कोरोना बहुत तेजी से फैलने वाला है। 15 जून को उम्मीद है कि 44,000 केस हो जाएंगे, जो आज 31,000 केस हैं। ऐसा अनुमान है कि 15 जून तक 44,000 केस हो जाएंगे। 30 जून तक 1,00,000 केस हो जाएंगे। 15 जुलाई तक 2.25 लाख केस हो जाएंगे और 31 जुलाई तक लगभग 5,32,000 केस हो जाएंगे दिल्ली में टोटल। और इसको देखते हुए 15 जून तक हमें 6,681 बेड्स की जरूरत पड़ेगी, 30 जून तक 15,000 बेड्स की जरूरत पड़ेगी, 15 जुलाई तक 33,000 बेड्स की जरूरत पड़ेगी, 31 जुलाई तक 80,000 बेड्स की जरूरत पड़ेगी। तो चुनौती बहुत बड़ी है। इसमें सबसे पहले तो अपने को ये करना है कि अपने आप को, हमें सबको कोरोना से बचाना है, इसे अब जन आंदोलन बनाना है। तीन बातों को, हमें मास्क पहन के घर से निकलना है, हमें बार बार हाथ धोने हैं, सैनिटाइज करने हैं और सोशल डिस्टेंसिंग करनी है।